नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं आई एम एन इंडियन चैनल। तो आज का चर्चा शुरू करते हैं। कुलदीप सिंह धींगड़ा एक भारतीय उद्यमी, प्रमोटर और बर्जर पेंट्स के अध्यक्ष हैं। कुलदीप 100 सबसे अमीर भारतीय और फोर्ब्स वैश्विक अरबपतियों में शामिल है। फोर्ब्स के अनुसार वर्तमान में उनकी कुल संपत्ति 9.4 अरब अमरीकी डॉलर है, जो कि 2021-20 जून तक था। कुलदीप का जन्म 1947 में अमृतसर पंजाब में एक सिख अरोड़ा परिवार व्यवसायी परिवार में हुआ था। उनके दादाजी ने 1898 में अमृतसर में पेंट का कारोबार शुरू किया था। कुलदीप के पास दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री है। 1991 में कुलदीप ने अपने भाई गुरबचन सिंह धींगड़ा के साथ मिलकर विजय माल्या की यूबी ग्रुप से बर्जर पेंट्स खरीदे। पुस्तक अनस्टेपेबल, जो कि कुलदीप सिंह धींगड़ा एंड द राइज ऑफ बर्जर पेंट्स, इसका जो लेखक है वह है सोनू हसीन द्वारा लिखित कुलदीप सिंह धींगड़ा की जीवनी है। कुलदीप आसी फर्म्स, आसाना प्रॉपर्टीज, अरम्बेल प्रॉपर्टीज, सिंटलेट कॉमर्शियल कैंटेट्स, केएसडी विल्डवेल, केएसडी प्रॉप बिल्ड, लेवेलिया बिल्डवेल, स्कॉर्पियो रिसर्च एंड कॉन्स्टेंट बीनू फर्म्स, बिगेंट इन्वेस्टमेंट्स, यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज, बजीर स्टेट, बजीर प्रॉपर्टीज, यूपीकेआई प्लांटेशन के निदेशक के रूप में कार्य करते हैं। यूके पेंट्स, सुनैना एवरग्रीन, सुरजीत प्लांटेशन, बर्जर बेकर कैंटिंग्स, बर्जर पेंट्स, जॉली प्रॉपर्टीज, कवरग्रीन लैंड्स, रिस्क्यूर प्रॉपर्टीज, अमृत प्लांटेशन, मीता प्लांटेशन, मालिबू एसेट्स, आरपीएल फॉरेस्ट, बिग इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, प्लेक्स प्रॉपर्टीज, बर्जर प्रॉपर्टीज, ब्रिटीना प्रॉपर्टीज, हर्म ग्रीनफील्ड्स, पेगोडा बिल्डकॉन, रिस्मा मोडीज, फेबल प्रॉपर्टीज, फ्लूम प्रॉपर्टीज। कुलदीप की शादी मीता धींगड़ा से हुई है और उनकी 3 बच्चे हैं। कुलदीप की बेटी रिस्मा कौर व्यवसाय का हिस्सा है और उनकी शादी पटियाला के शाही परिवार के वंशज रणिंदर सिंह से हुई है। उनके एक साथ 3 बच्चे हैं, सहिंदर कौर, इनाइंदर कौर और एक बेटा योदोदर सिंह। पूरा परिवार नई दिल्ली में रहता है। बर्जर पेंट्स लिमिटेड एक भारतीय व बहुराष्ट्रीय पेंट कंपनी है, जो कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में स्थित है। इस कंपनी की भारत में 16, नेपाल में 2, पोलैंड और रूस में 1-1 निर्माण इकाइयां है। इसकी हावड़ा और रिसड़ा में निर्माण इकाइयां है। अरिनोशो, तलोजा, नलटोल, गोवादे वाला, हिंदुपुर, जोजूरी, जम्मू, डुवेरी और उद्योगनगर। कंपनी की उपस्थितियां 5 देश, भारत, रूस, पोलैंड, नेपाल और बांग्लादेश में है। उनके पास 3,600 से अधिक कर्मचारी की संख्या है और 25,000 प्लस डीलरों का देशव्यापी वितरण नेटवर्क है। 1760 में लुई बर्जर ने इंग्लैंड में डाई और पिगमेंट निर्माण व्यवसाय शुरू किया, जो बाद में बदलकर लुई बर्जर एंड सॉन्स लिमिटेड हो गया। 1770 में लुई स्टेनगन बर्जर प्रोकोडिस से लंदन में एक एशियाई नीला रंग बेचने के लिए स्थानांतरित हो गए, जिसे अपने स्वयं के सूत्र का उपयोग करके बनाया गया था। मिस्टर बर्जर ने नील रंग की इस प्रक्रिया और कला में महारत हासिल की, जो उस समय की अधिकांश सैन्य वर्दी का रंग था। इसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर लुई बर्जर रख लिया। 1870 तक बर्जर पेंट्स ब्लैक लेड, सल्फर, सीलिंग वैक्स और मस्टर्ड जैसे 19 अलग अलग पिगमेंट बेच रहा था। उनके निधन के बाद उनके बेटा ने कारोबार संभाला। 17 दिसंबर 1923 को मिस्टर हैंडफील्ड ने कलकत्ता में एक छोटा पेंट कंपनी हैंडफील्ड्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना की। 1947 के अंत में ब्रिटिश पेंट्स ने हैंडफील्ड्स इंडिया लिमिटेड का अधिग्रहण किया और इस प्रकार ब्रिटिश पेंट्स इंडिया लिमिटेड का पश्चिम बंगाल राज्य में शामिल किया गया। 1951 में दिल्ली और बॉम्बे में बिक्री कार्यालय खोले गए और गुवाहाटी में एक डिपो शुरू किया गया। 1969 में बर्जर जेनसन निकोलसन लिमिटेड यूके ने ब्रिटिश पेंट्स इंडिया लिमिटेड को खरीद लिया। इसने भारत में लुइस बर्जर की विरासत की शुरुआत की चिन्हित किया।
वर्ष 1973 में डी मधुकर ने प्रबंध निर्देशक का पदभार संभाला। 1978 तक बिक्री के आंकड़े 16 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। 80 और 90 के दशक में इमल्यू सान और डिस्टेम्पर्स जैसे कई नए उत्पाद लॉन्च हुए। 1991 में यूबी समूह ने कंपनी को कुलदीप सिंह धींगड़ा और गुरबचन सिंह धींगड़ा को बेच दिया। सुवीर बोस ने 1 जुलाई 1994 को प्रबंधन निर्देशक का पद संभाला। बोस 30 जून 2012 को सेवानिवृत्त हुए। कंपनी की वर्तमान प्रबंधन निर्देशक अभिजीत रॉय को सौंप दिया। 23 मार्च 2013 को बर्जर पेंट्स ने शेरविन विलियम्सन के मुंबई स्थित आर्किटेक्चरल पेंट डिवीजन का अधिग्रहण किया है। साल 2021 में बर्जर पेंट्स ने संडीला में अपना प्लांट लगाया उत्तर प्रदेश राज्य में। पाकिस्तान का जो ये था वह है 25 मार्च 1950 को बर्जर पेंट्स पाकिस्तान लिमिटेड को पाकिस्तान में शामिल किया गया। 1955 में कराची कारखाना स्थापित किया गया था। 1974 में बर्जर पाकिस्तान एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। 1974 में बर्जर पाकिस्तान के 50.62% शेयर जेनसन एंड निकोलसन लिमिटेड यूके की मूल कंपनी जो है के पास थे। 49.38% शेयर पाकिस्तानी निवेशकों के पास थे। 1991 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड कंपनी स्लोटिपिड लिमिटेड ने कंपनी के 50.62% शेयर खरीदकर बर्जर पेंट्स पाकिस्तान लिमिटेड का नियंत्रण हासिल कर लिया। बांग्लादेश के भौगोलिक क्षेत्र में बर्जर पेंट्स का आयात पहले बर्जर यूके और फिर बर्जर पाकिस्तान से किया गया। 1970 में कलूरघाट चटगांव कारखाने का उद्घाटन किया गया। 1980 में कंपनी का नाम JNN बांग्लादेश लिमिटेड से बदलकर बर्जर पेंट्स बांग्लादेश लिमिटेड कर दिया गया। रूस में संचालन और क्रास्नोडार में बर्जर निर्माण इकाइयां में एक उत्पादन सुविधा के अलावा बर्जर पेंट्स इंडिया की नेपाल में भी एक परिचालन इकाई है। उन्होंने पूर्वी यूरोप में एक्सटर्नल इंसुलेशन फर्निशिंग सिस्टम के प्रदाता पोलैंड को वेलिक्स SA का भी अधिग्रहण किया है। तो दोस्तों आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उसके बगल में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंचता रहे। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करके दूसरों को देखने का मौका दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद। जय भारत माता।